देश की 135 करोड़ जनता, केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार देश की जनता के साथ कब आएगी। नमस्कार दोस्तों और मेरा प्यार भरा सलाम देश के तमाम लोगों को। एक बार फिर से मेरी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। नवंबर 8, 2016 को देश के प्रधानमंत्री 1000 के और 500 के नोट बैन करे थे, तो पिछले 3-4 साल हो गए नोटबंदी हो के। ये नोटबंदी में देश की जनता काफ़ी कुछ परेशानी झेली, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को रोड पर आना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी इस चीज़ के लिए करे थे, इससे आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी और देश में आतंकवाद नहीं होगा, काला धन वापस आएगा और देश तरक्की पे जाएगा। मगर देश के तमाम 135 करोड़ लोगों को मालूम होगा नोटबंदी से कितना कुछ तकलीफ हो गई, मगर देश के प्रधानमंत्री आज तक इस नोटबंदी से हमारे देश को क्या कुछ फायदा हुआ। काला धन वापस आया, देश करप्शन को रोका और देश हमारा रोजगार को ला चुका। मगर आज देश के प्रधानमंत्री कोई भी कार्यक्रम लाते हैं तो भाषण बोलते हैं मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मगर देश की तरक्की आज तक कुछ भी नहीं हुई। हमारा और आप तमाम लोगों का, देश के तमाम जनता का, देश के तमाम नागरिक का ये फर्ज बनता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। आज देश के तमाम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी सारी परेशानी है। देश के नौजवान जो देश में जो पढ़ा लिखा है उसमें रोजगार नहीं है। आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को एक सवाल करना चाहती है, जो 2016 में नोटबंदी हुई थी देश को, वो नोटबंदी में क्या फायदा मिला। और इसके लिए हमारा आज देश के प्रधानमंत्री को बार बार एक ही सवाल करते हैं, नोटबंदी में देश के लिए क्या फायदा हुआ, या सरकार का फायदा हुआ या देश के जनता का फायदा हुआ। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो कैसा बना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट मार के इस वीडियो का, इस चैनल का साथ दो। धन्यवाद।